भाई जो है ना पीछे पड़े हैं तो वहाँ का बैकग्राउंड सीन जो अच्छा है, इसलिए जा रहे हैं। ये क्या है गाइस, जो हम वीडियो शूट करते हैं यहाँ बीच में, यहाँ का जो पार्ट था तो वो शायद गलती से डिलीट हो गया था, इसलिए सॉरी गाइस। और यहाँ पे मैं फ़ोटो लगा के बाकी थोड़े वर्बल बता दे रहा हूँ। अब हम लोग ब्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं। गाइस हम लोग आए थे, मतलब हम लोग सारे लोग जितने थे हमारे दोस्त लोग या हमारे फैमिली के, हमारे दादा जो सबसे आगे वो खड़े हैं, ये हमारे दादा हैं, ये जा रहे हैं उमरा के लिए। इनको भेजने के लिए आए थे, वो देखिए अब पहुंच चुके हैं अंदर। डिपार्चर के में टाइम हो गया, इनका फ़्लाइट 12 बजे है, लेकिन अभी पहले लिया जाया था क्योंकि इनको बहुत काम रहता है अंदर, आराम आराम पहना रहता है, इसलिए बहुत गए। वो देखिए हमारे दादा सबसे अंदर जा रहे हैं, अब वो चले गए हैं। अब इनसे हम दोबारा मिलेंगे 28 अगस्त को जब वापस आएँगे। अब तक साथ हैं हमारे राजा भाई, ये देखिए, और हमारे जो दोस्त और ड्राइवर जो हैं वो सरफू भाई हैं, जो हमारे साथ यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे लेके आए हैं गाड़ी चला के। और अब हम लोग वहाँ उनको भेज दिए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं तो टर्मिनल 1 पे घूमने के लिए। और ये और यहाँ पे आप लोगों को अभी हम दिखाएंगे वहाँ पे, जो यहाँ पे जो वीडियो हम लोग वहाँ पे शूट नहीं करने दिए थे, हम उसको मतलब एक चुपके तरीके से शूट किया है, उसको मतलब ब्लॉग में आएगा तब दिखाएंगे आप लोगों को वो वीडियो अंदर भेजते वक्त। और अब हम लोग जा रहे हैं टर्मिनल 1 पर। तो सरफू भाई आपका क्या कहना है, आप टर्मिनल 1 पे किस लिए जा रहे हैं? सरफू भाई ने बहुत ही अनोखी चीज़ बताई, तो आप लोग मत सुनिए। राजा भाई से पूछते हैं, राजा भाई आप बताइए आप टर्मिनल 1 पे क्या करने के लिए जा रहे हैं? अभी इंतजाम भाई जो है ना पीछे पड़े हैं तो वहाँ का बैकग्राउंड सीन जो अच्छा है, इसलिए जा रहे हैं फोटो क्लिक कराने। अब देखते हैं वहाँ कैसा सीन है फिर बताते हैं। नहीं तो उसकी गारंटी मेरी है क्योंकि, लेकिन भाई एक बात मानो क्योंकि मैं जो इससे पहले आया था तो मैं रात में आया था, तो रात का जो व्यू था वो अभी डे तो उसका मतलब। तो गाइस इसी के साथ सब बात को हटाकर और हम लोग आ गए हैं टर्मिनल 1 पर। जो टर्मिनल 1 पर आ चुके हैं आप लोग को हम दिखाते हैं। ये देखिए गाइस ये टर्मिनल 1, सॉरी गाइस ये टर्मिनल 2 है। और आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ वो देखिए गाइस, तो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। देखिए हम लोग आ गए हैं टर्मिनल 1 पर और इसी के साथ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, गाइस आपका भाई आ गया है टर्मिनल 1 पर, जो यहाँ पर जो इसका शूट लेना था। और ये देखिए और हमारे राजा भाई, गाइस हम लोग को रोक लिया गया है। गाइस जैसे कि हम लोग वहाँ पे ब्लॉग बना रहे थे तो पुलिस वाले ने हमें भगा दिया था, तो अब हम लोग वहाँ से हट गए हैं और यहाँ पर आ गए हैं टर्मिनल 1 के जो डिपार्चर वाला है उसके जस्ट सामने हम लोग हैं यहाँ पे। और हमारे दोस्त लोग, हम लोगों ने एक चीज अनोखी चीज़ देखा, वो हम आप लोग से बता नहीं सकते हैं, वो हम आपसे बता नहीं सकते हैं गाइस। और अब हम लोग यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। लास्ट में आपको गाइस दिखाएंगे हम लोग क्या चीज देखा है। हाँ वो भी देखो, हमारे सैफू भाई ने बताया। देखिए ये देख किस जुगाड़ के साथ सारी ट्रॉली एक साथ लाया जा रहा है। और अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे वो आप गाइस आपको दिखाते हैं। हम लोग इस पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं बैठने के लिए, बहुत ही ऊंचा पहाड़ है जो कि हम लोगों को चढ़ते चढ़ते देखे क्या होता है हम लोगों के साथ। और हम लोगों के पास गाड़ी है वहाँ पे पार्किंग में लगा दी हम लोगों ने, पर अब फोटो क्लिक करने के लिए आ रहे हैं पर वहाँ से भगा रहे हैं, लेकिन वहाँ से भगा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से चढ़ने जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर। राजा भाई चढ़ोगे? तो गाइस अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, देखिए जहाँ जो व्यू हम लोग बता रहे थे जहाँ आने के लिए, तो हम लोग आ गए हैं। तो सरफू भाई बहुत ही थक गए हैं, लेकिन सरफू भाई ने अभी एक चीज ऐसा देख लिया है जो उसको देख कर अब उसी में मग्न हो गए हैं, उनका जी नहीं लग रहा है, अब सिर्फ नजरे सिर्फ वहीं पर हैं। अब इनसे देखिए उसी चीज को देखने को मन करता है। अब देखिए भाई साहब आप ही लोग बताइए, अब लोग क्या हम लोग जा रहे थे ऊपर भाई, अब इसका ना कोई दवा है ना इलाज है। अब मैं इनका यही कहना है कि वहीं पे जाके बैठ जाए और देखे। और राजा भाई चलो ऊपर चलते हैं, व्यू अब उनको व्यू देखना है, तो मैं तो कह रहा हूँ ऊपर चलो। और ये गाइस देखो ये क्या लगा हुआ है, आपको दिखा दें हम। ये गाइस देखिए ये क्या है, जिसके ऊपर गिर जाएगा उसके अंदर घुस जाएगा। ये देखिए गाइस, किसी को बिठाया जाएगा तो उसका क्या होगा। वाह। और
हमारे राजा भाई आपका क्या कहना है? तो देखा ही तो यार, वो देखिए देखने के लिए बेताब चैन और क्या। गाइज आप लोग गलत मत समझिएगा, ये क्या प्लेन देखने की बात कर रहे हैं जो आया है, बड़ा वाला, अभी बहुत बड़ा वाला प्लेन था वो। और सर भाई वो प्लेन आपको अच्छा लगा था, फोटो खिंचाना चाहेंगे उसके साथ? बहुत बड़े बड़े प्लेन सर भाई ने तो आप लोग को बता ही दिया होगा कैसा प्लेन है, तो वो प्लेन अब आप लोग इससे ज्यादा मत जानिए, आपको मैं और प्लेन दिखाऊंगा अभी गाइस। ये देखिए कूद रहा है यहाँ पे, तो गाइस मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखिए हम लोग डिपार्चर के पास हैं और अभी हमारा जो हमारे दादा का जो प्लेन है अभी यहाँ से फ्लाइट जो यहाँ से उड़ेगी तो टेक ऑफ करेगी यहाँ से, तो वो 12 बजे हो जाएगी, 12 बजे। तो अभी बज रहे हैं 9, अभी हमारे पास है 3 घंटे के लिए हम लोग यहाँ पे रेस्ट करना है, तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि नहीं अब इतना देर 3 घंटा बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं व्लॉग बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग आ रहे थे बनाते हुए तो वहाँ के जो CRPF वाले और यहाँ पे जो सिक्योरिटी या जो भी थे उन्होंने हमारा भगा दिया हम लोग को, कहा कि जो ब्लॉग बना रहे अभी यहाँ पे नॉट अलाउड है, अगर बनाओगे तो मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा, और जिसका फ़ोन है भाई देखिए जिसका फ़ोन है उसको उठा के उल्टा करके 50 लाठी मारा जाएगा। तो सरपू भाई इससे बहुत डर गए थे इसलिए वो वहां से प्लेन देख के भाग लिए तुरंत। तो मैं अब यहाँ पे बंद करता हूँ ब्लॉग और मिलते हैं अभी ये बात।